नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आज आपको बायोमेट्रिक सिस्टम के सच का विश्लेषण करेंगे। अलग अलग स्कूल में बायोमेट्रिक सिस्टम लागू हो गया है, चाहे वो पारा हो या नॉन पारा हो, प्राथमिक स्कूल में हो या माध्यमिक स्कूल में हो, सभी लोगों को बायोमेट्रिक सिस्टम में ही काम करना होगा। हमने इसका रियलिटी टेस्ट करने के लिए अलग अलग स्थान पर जाने का फैसला किया। हमारी टीम ने अलग अलग स्थान पर जाकर देखा कि क्या समय से बायोमेट्रिक सिस्टम काम करता है या फिर नहीं करता है। हमने कई व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट किया था कि वो यहाँ पर रियलिटी टेस्ट में, हमारा रियलिटी टेस्ट में साथ दें। अगर वास्तव में ये काम कर रहा है, बायोमेट्रिक सिस्टम समय से काम कर रहा है, तो आप इसकी भी जानकारी दीजिए। अगर नहीं कर रहा तो इसकी भी जानकारी दीजिए। अलग अलग स्थान से हमें ढेर सारे मैसेज प्राप्त हुए हैं, जिसमें अधिकांश लोगों ने कहा है कि बायोमेट्रिक सिस्टम काम नहीं कर रहा है, बार बार फेलियर दिखता है। हम आपको उसका नमूना दिखा रहे हैं कि जब समय से कोई व्यक्ति अपने स्कूल में चला जाता है, जाने के बाद जब वह अटेंडेंस बनाना शुरू करता है, तो उसके बाद नेटवर्क की समस्या हो जाने के चलते अथवा टेक्निकल कोई फॉल्ट हो जाने के चलते बायोमेट्रिक सिस्टम के फेलियर होने का डायरेक्ट वहां पर सिग्नल आ जाता है। हम आपको एक क्लिपिंग भी दिखाना चाह रहे हैं इसमें, और उम्मीद है कि आप इससे समझ पा रहे होंगे। अब आप सोचिए कि गांव-गांव में जहां नेटवर्क की समस्या है, अगर वहां पर बायोमेट्रिक के आधार पर आगे का सैलरी बनाया जाएगा, तो फिर सैलरी किसको मिलेगा? ऐसे भी चार चार महीने का पेमेंट तो टाइम से मिलता नहीं है। पारा शिक्षक ऐसी पहले से टेंशन में है, आंगनबाड़ी सेविका टेंशन में है, सारे विभाग में ऑलमोस्ट बायोमेट्रिक सिस्टम लागू हो रहा है। सरकार को ये चाहिए कि बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू करने के पहले सारी व्यवस्था को दुरुस्त कर ले। सारी व्यवस्था अगर दुरुस्त हो जाएगी तो लोग उनके साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर टेक्निकल मिस्टेक आने लगेगी, बायोमेट्रिक सिस्टम का टोटा लग जाएगा, ऐसे में लोगों को बहुत परेशानी होगी और लोग इसको करने से हिचकेंगे और कहीं ना कहीं वह एक नए आंदोलन को जन्म दे देगा। ऐसे ही सैलरी नहीं मिलने से टीचर वर्ग खासा परेशान है। चार चार महीने के बाद पेमेंट मिलता है तो एक महीने का मिलता है, उसके बाद फिर वो तीन चार महीने इंतजार कर लेते हैं। दावा तो किया गया था कि जून में रेगुलर हो जाएगी, जून के दूसरे सप्ताह में दो तीन महीने की सैलरी मिल जाएगी, लेकिन तीसरा सप्ताह बीतने को है, लेकिन अभी तक एक महीना से ज्यादा का सैलरी किसी को नहीं मिला है। सारे टीचर अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि अंतिम सप्ताह में भी मिलेगा कि नहीं और जून में भी पूरी सैलरी उनकी आएगी कि नहीं, इसको लेकर के अब फिर से एक बार आंदोलन की रूपरेखा भी तय हो रही है। वहीं दूसरी ओर सरकार ने कड़ाई का संकेत दिया है। सरकार ने कहा है कि वह किसी प्रकार के आंदोलन को आगे बर्दाश्त ही नहीं करेगी। सर्टिफिकेट चेकिंग 11,500 पारा शिक्षकों का चल रहा है, जो पारा शिक्षक रहते हुए, अपने पद पर रहते हुए डिग्री हासिल किए थे। सारी चीजों के लिए अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप 9431156794 पर व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। अब अगर आप अपने क्षेत्र में पारा टीचर हैं या किसी भी विभाग में कार्यरत हैं, क्या टाइम से अटेंडेंस बनता है और क्या आपके क्षेत्र में बायोमेट्रिक सिस्टम काम कर रहा है? क्या वह हर दिन काम करता है? यदि हाँ तो इसका भी मैसेज कीजिए, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं अपना नाम लिखिए, और यदि नहीं तो इसकी भी जानकारी दें। आप बहुत आसान है, जब बायोमेट्रिक सिस्टम को आप यूज कर रहे हैं उसकी एक फोटो क्लिक करेंगे, उसमें फेलियर मैसेज दिखाएगा और उसकी क्लिपिंग आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431156794 पर आप भेज देंगे। आपके नाम को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं क्योंकि जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा होगा वो हम जरूर लेकर सामने आएंगे। हमसे ऐसे ही जुड़े रहिएगा और ये मैसेज से जिस व्यूअर ने हम तक पहुंचाया था उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।